नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। कांडी से साकेत मिश्र की रिपोर्ट। विद्यालय में अध्ययनरत 9वीं कक्षा की छात्रा किरण कुमारी की मौत। अगर अभिभावक अपनी बेटियों को इस कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़वा रहे हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि वार्डन की लापरवाही का खामियाजा छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। ये मामला है कांडी प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का, जहाँ छात्राओं की तबीयत खराब होने के बावजूद भी वार्डन द्वारा ठीक समय पर छात्राओं को छुट्टी नहीं दी जाती है। कांडी के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका में अध्ययनरत 9वीं कक्षा की छात्रा किरण कुमारी की तबीयत खराब होने और ठीक समय पर परिजनों को जानकारी नहीं देने के कारण उसकी गुरुवार को मौत हो गई। अभी भी वर्ग 9 की 3 छात्राएं पूजा, दुर्गा व वर्ग 10 की सरिता कांडी अस्पताल में भर्ती हैं, जिन्हें लूज मोशन व उल्टी की शिकायत है। इनकी तबीयत सुबह में खराब हुई थी, लेकिन इन्हें 2 बजे दोपहर में अस्पताल लाया गया, जिनकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। इससे पूर्व भी वर्ग 11 की पुष्पा व खुशबू कुमारी की तबीयत खराब होने के बाद इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था। आज ही लगभग 2 दर्जन से अधिक छात्राओं को एक साथ इलाज के लिए कांडी अस्पताल भेजा गया था, जिन्हें कुछ गोलियां व ORS का पाउडर दिया गया। जब प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विद्या सागर मेहता उक्त विद्यालय में जांच करने हेतु पहुंचे, इसके बाद मीडिया की टीम भी पहुंची, जहां प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विद्या सागर मेहता ने कहा कि छात्राओं की मौत कैसे हुई, इस संबंध में जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। जबकि संबंध में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन चंद्रावती सिंह ने मीडिया के कैमरे के सामने बोलने से मना किया। उन्होंने मौखिक रूप से बताया कि छात्राओं को जैसे ही तबीयत खराब होती है उन्हें अस्पताल में दिखाया जाता है। किरण की कब तबीयत खराब हुई इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिली। वहीं उक्त कस्तूरबा विद्यालय की लगभग 2 दर्जन छात्राओं ने मीडिया को बताया कि इस विद्यालय में कुछ भी ठीक नहीं है। भोजन भी मेन्यू के अनुसार नहीं मिलता है। यहाँ पानी भी सही नहीं है। पानी पीने पर उसका स्वाद नमकीन, खराब व दूषित लगता है। तबीयत खराब होने पर तुरंत इलाज भी नहीं होता। यह वार्डन का दबाव बहुत अधिक होता है। छात्राओं के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। जिसकी तबीयत खराब होती है उसे तो सही समय पर अस्पताल नहीं भेजा जाता, और आज मीडिया को देखने के बाद वार्डन द्वारा दबाव देकर हम लोगों को अस्पताल भेजा गया है, जबकि हम लोगों की तबीयत भी खराब नहीं है। वह कांडी अस्पताल के ऑन ड्यूटी डॉक्टर SP सिन्हा ने बताया कि कल शाम में कस्तूरबा की छात्रा पुष्पा कुमारी इलाज के लिए आई थी, जिसे बेहोशी की हालत में भर्ती किया गया था। अगर वो समय पर आती तो उसकी ऐसी हालत नहीं होती। उन्होंने बताया कि हाइजेनिक व पानी की खराबी के कारण लड़कियों की तबीयत खराब हो रही है। मैम नहीं खोले। 5 बजे गए। कब गई? 5 बजे सुबह मॉर्निंग में। मैम के आवाज दी है, मैम नहीं खोले हैं गेट। और फिर अंकल जी के रिक्वेस्ट किए तो अंकल जी भी बहस कर रहे थे, वो भी नहीं लगा रहे। बहस कर रहे थे, फोन नहीं लगा रहे। अब रेयर टाइम जब लड़की जा रही थी तब भी मैम बोल रहे हैं, उसके पास मतलब भारत रत्न नहीं लग रहा था ना, तो मैम बोल रही है ना कि लड़की छोड़ के नहीं जा सकती, वो उसको टांग से पकड़ के लेके जा रही है, मत करो इसको, पकड़ो मत, ये बात यहां पे मत रखिए। एकदम आंख रुक वायरल की जगह भी था उसका। अब नाइट में भी। तुम्हारा नाम? लक्ष्मी कुमारी। तुम्हारा? रीमा कुमारी। तुम्हारा? अंश कुमारी। आगे इसमें आवाज। अंकल का नाम क्या है? अंकल का नाम क्या है? अंकल के पास रघुवंश जो अभी यहां पे अजीत कुमार। अजीत गार्ड नाम है। गार्ड जो है, गार्ड का नाम क्या है? अंकल। गार्ड तुम लोगों से बोल रहे थे? अंकल मतलब अंकल जी जो मैम फोन नहीं लगा ना, तब लड़की लोग उतरी। और इसलिए अभी पूजा मैम मतलब जगी हुई थी, झाड़ू लगा रही थी, तो मैम बोल रही है ना कि जा मैडम को उठाओ। जब पूजा के है? पूजा मैम है, SST की मैम है यहाँ पे। जब तुम लोग गार्ड से बोली तो गार्ड क्या बोला? लगा फोन मतलब कि नहीं लगाएंगे, जाओ वार्डन के पास लगाओ, वार्डन है तो हम क्यों लगाए। अब इसके बाद भी जब प्रेयर में जा रही थी तो वार्डन बोल रहे हैं कि हिट के नहीं जा सकती, हिट के नहीं जा सकती, इसको छोड़ो, इसको जाने दो, ऐसे बोल रहे। कितना ही इसको पकड़ेगी, पहले पकड़ी है। वार्डन का नाम क्या है? चंद्रावती सिंह। तुम लोगों का तबीयत वास्तव में खराब है या वार्डन द्वारा दबाव दे करके अस्पताल में भर्ती किया गया है तुम लोगों? अभी आप लोग के देखे तो लड़कियों के अस्पताल भेजा गया और देखा गया, आप लोग के देखा मतलब आप लोग के देखे तो मैम हम लोग को उधर हॉस्पिटल भेज देगा, मतलब लड़की लोग आएगी तो बोलेगी नहीं, हम बोल देंगे खुद, मतलब जो रहेगा बोल देंगे। पर हम लोग अपना से ग्रिल खोल के आए, कहे कि झूठ कहे, जबरदस्ती ग्रिल खुलवाए हैं हम, अब खुलवाए हैं, अब बोल दिए हम। वास्तव में तुम लोगों की तबीयत नहीं खराब है? की तबीयत खराब है? नहीं, मतलब हम लोग हॉस्पिटल गई थी, अभी इसी वक्त गई थी, जब आपकी आप लोग के देखे ना वार्डन में तब ऐसा नहीं, मतलब वो मीटिंग कर रही है, फिर मतलब
आँख उख धस जा रहा है और उसमें प्लस में भी मैम डांट भी रही है तब घर भेज रही है कि तू लोग कहा कह रहे खुशबू कुमारी कल शाम के रात में गए हैं संगीता पुष्पा दीदी भी गए हैं उनका भी बीमारी था पुष्पा कुमारी कहाँ कौन क्लास जो अस्पताल में भर्ती है जिसे पानी चढ़ाया जा रहा है उसका क्या नाम है पूजा दुर्गा सरीता तीन लड़कियां हैं छात्रा की मौत हुई है इस पर क्या कहेंगे सर इसकी जांच चल रही है मैं जांच करने ये भी मुझे जानकारी विश्वास सूत्रों से हुआ मैं विद्यालय में आया और विद्यालय में आने पर देखा कि जिस छात्रा की मौत हुई है वह छात्रा का नाम किरण कुमारी है और वह आज सुबह 9:16 में अपने माँ संगीता देवी के साथ घर गई है अब घर जाने के बाद किसका मालूम चला कि वह तबीयत खराब था वह एप्लीकेशन के अनुसार उसका तबीयत खराब था वार्डन से भी पूछताछ की गई तबीयत खराब था गार्जियन को बुला करके माँ के साथ उसको भेजा गया अब उधर घटना घटी तो इसके बारे में इसके पूर्व में तबीयत खराब था या नहीं जांच अभी चल रही है जानकारी मिल रही है सर कि उसकी तबीयत कल से ही खराब थी लेकिन परिजनों को आज जानकारी दी गई है इस पर क्या कहेंगे सर तबीयत खराब थी तो विभागीय जो नियम है उसके अनुसार अगर रात में तबीयत खराब हो तो रात में खबर देने के बाद माँ सुबह आई है खबर देने के बाद माँ आई है यही सुनीता काली के रसोईया खाना बना के यही खिलाते ठीक है आपके यहाँ 9th में किरण कुमारी नाम की लड़की थी क्या आज सुबह नाश्ता की थी नाश्ता से तो ले थी तो उसको उल्टी हो रही मुझे यही चीज उल्टी है क्या उसको बुखार भी था खाना बनाते शाम में खाना खाई थी देखिए कितने लोग ना खा लेते हैं कितने लोग नाश्ता होता होगा कि अपना इसके बारे में तुमको पता है शाम में सभी बच्चे लोग नहीं खाता कोई नहीं खाता नहीं खाते हैं कोई भी मर्जी किया नहीं खाई थी कि नहीं है पता है हमको ही खाली पता किरण कुमारी देखिए सर जी हमको देखिए पैर में उनको चोट लगा था तो हम शाम में उन लोग जो दो लोग थी ना आप उन लोग बता देंगे चिंता जी थे और पार दीप्ति जी थे तो हम शाम में नहीं आए थे हम गलत भी बता रहे हैं हम 3 बजे खाना बांट के सब बच्चे लोग के दोपहर के खाना और सुबह का खाना बांट के चले शाम में बच्चे लोग से भी पूछ सकते हैं शाम में सुबह के बताओ हाँ सुबह में थे सुबह में क्या खाना खाई बच्ची सुबह में सभी बच्चे लोग खाए थे सभी बच्चे लोग खाना खाए क्या सुबह में खाना सुबह में रोटी सब्जी था रोटी सब्जी हाँ जी जो शाम को खाना बांटती है रसोईया है सुबह में किरण खाई थी सुबह में तीन लोग बच्चे लोग बच्चे को कुछ भी होता ना तो जाकर बता दे किरण के जिद किया ना तो हम लोग चाहिए ना मैडम जिससे जाकर चलिए सुबह खाई थी कि नहीं खिलाए थे नहीं सुबह में नहीं सुबह में तो उसका बस बच्चे के तो रोटी है कल सुबह में क्या आज सुबह में आज सुबह अरे कल सुबह की बात कल सुबह इतना नर्वस क्या है कल सुबह वो लड़की खाई थी जी खाई थी तब वही ना कहा जाए नहीं कल सुबह में लड़की अब रात के रहना तो रात को लोग बताएंगे उसका अब दोनों रसिया कौन पर है देखिए ये वो जो थी ना ये वो करीता मर गई हाँ गुजर गई अच्छा चिंता जी हैं वो पार तब उन लोग पार्टी से खाना अब उन लोग बताएंगे कि क्यों उनके बच्चे के बारे चिंता पार मर गई जी यही पूछा जी
न्यूज पर खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।